हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अंकिता मैम का ये इंस्पायर्ड कलरफुल मेकअप लुक शेयर करूंगी। एंड इन्होंने ये इंस्टाग्राम पर IGTV पर किया था, मुझे बहुत ही पसंद आया था। आई थॉट कि मैं ट्राई करती हूँ। सो उतना अच्छे से नहीं हुआ है, बट जितना भी हुआ है मैंने कोशिश की है। तो बाकी आप लोग बताइएगा कॉमेंट में कि आपको कैसा लगा ये वाला लुक। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो फर्स्ट मैं आईब्रो फिल करूँगी NYB के आईब्रो पेंसिल के हेल्प से। सो उनके प्रोडक्ट्स मेरे प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, बट लुक मैंने सेम क्रिएट करने की कोशिश की है। बाकी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। सो मैंने अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया, उसके बाद मैंने NYB का कंसीलर स्टिक लिया है आई लिड को प्राइम करने के लिए। एंड फिंगर के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट करूँगी। बहुत ही क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट है, ईजिली अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देन लूज पाउडर के हेल्प से मैंने इसे सेट किया है। हिलारी रोडा का आई शेडो ये मैट पैलेट लिया, इसमें से ये मस्टर्ड येल्लो कलर लिया है और इसे इनर कॉर्नर्स पर लगाया है। उसके बाद मैंने ऑरेंजी शेड लगाया था, उसके बाद पिंक शेड को मैंने इस तरह से पहले लगाया है, लास्ट में मजेंटा पिंक शेड को लगाकर नीचे लोअर लैश लाइन पर भी इसे इस तरह से कलर को लगाया है। एंड एक क्लीन ब्रश के हेल्प से मैंने सारे एडजेस को अच्छे से ब्लेंड आउट किया है। सो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी ये वाला लुक लगा, बट काफ़ी टाइम लगा मुझे इसे क्रिएट करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। देन यहाँ पर मैंने जैकलिन हिल्स पैलेट लिया है नेक्स्ट आई मेकअप के लिए। इसमें से मैंने ये ऑरेंजी शेड लेकर इनर कॉर्नर पर लगाया, उसके बाद मैंने ये मैट ग्रीन शेड लिया है। देन उसके बाद मैंने शिमर शेड को लिया है जो कि अगेन ग्रीन में ही है। एंड ब्लू स्काई ब्लू शेड को लगाया है। एंड लास्टली मैं यहाँ पर ये डार्क ब्लू शेड को अप्लाई करूँगी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कलरफुल आई मेकअप लुक था। एंड इसे भी मैं नीचे लोअर लैश लाइन पर इस तरह से लगाकर एक क्लीन ब्रश की हेल्प से एडजस्ट को ब्लेंड आउट कर लूँगी। देन यहाँ पर मैं लगाऊंगी लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर जो कि जस्ट 100 रुपीज़ का ही आता है। एक विंग निकालते हुए उन्होंने विंग लाइनर ड्रॉ किया था, तो मैं भी सेम विंग लाइनर को ड्रॉ कर लूँगी। एंड मस्कारा के लिए मैंने कजरारे का मस्कारा लिया है, अपर एंड लोअर लैशेस पर मस्कारा को अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा है, सो डेली बेसिस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। देन ऑफ कैमरा मैंने फॉल्सेस सप्लाई कर ली है। बढ़ते हैं फेस मेकअप की तरफ तो लैक्मे का पीच मिल्क सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र लिया है, बहुत ही अच्छा है, जस्ट 100 रुपीज़ का ही आता है। सो कोई भी फाउंडेशन का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। सेम NYB की कंसीलर स्टिक ली है एंड जहाँ जहाँ मुझे स्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ मुझे नीड है वहाँ पर अप्लाई किया है। एंड ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड आउट किया है। नाउ यू कैन सी ये स्टिक काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल भी आती है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का ब्लश अप्लाई किया है इन द शेड ब्यूटिफुल सा पिंक शेड है, मैट पिंक शेड है। उसके बाद मैंने सेम जैकलिन हिल्स पैलेट में से एक सिल्वर शेड हाइलाइटर शेड लेकर अपने हाईएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। सो ये वाला पैलेट बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी आता है, अंडर 500 में आपको मिल जाएगा। मैंने इंस्टा पेज पे से लिया था। देन लिपस्टिक के लिए NYB की ये क्रीमी मैट पिंक लिपस्टिक को मैंने थोड़ा सा लगाया। उसके बाद मैंने डार्लिंग इसाबेला की ये मैट ब्राउनिश लिपस्टिक लगाया। एंड दिस कंप्लीट माई फाइनल फिनिश लुक। सो कैसा लग रहा है ये वाला लुक बताना ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में। अगर आपको सिमिलर लगा हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।